हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूर्णिमास किचन। एंड टुडे इज डे 35 ऑफ हेल्दी भोजन, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड व्हाट आई ईट टुडे। डे 35 ब्लॉग्स ऑफ डेली ब्लॉगिंग कवरिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड एंड व्हाट आई ईट टुडे। स्टार्टिंग अ फूड हैबिट एंड गुड फूड हैबिट इज हाउ यू चेंज योर लाइफस्टाइल। आई हैव मेंटेन हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट। मैंने यहाँ खाया हाई प्रोटीन हाई डाइट एंड बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स ऐड किए हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो डाइट किया है इसमें है नो पैकेजिंग फूड, नो शुगर। बिना शुगर के आप बहुत वेट लॉस कर सकते हैं। हाई प्रोटीन रखा है जिसके लिए सोया चंक्स और पनीर यूज़ करते हैं, प्लांट बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड हियर आई स्टार्ट माय डे विद ब्यूटीफुल वेदर। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। ये पेड़ मेरा फेवरेट है, हमेशा हवा चलता रहता है यहाँ पे। इसके बाद मैं पीऊँगी चिया सीड्स। खाली पेट चिया सीड्स पीती हूँ मैं डेली। ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह पी लूँ। तो सबसे पहले 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देना है पानी में। 2 से 3 घंटा इज इनफ। चिया सीड्स में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन ए। वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड वेट लॉस एंड वेरी गुड फॉर स्किन एंड वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। इस पे होता है एंटी ऑक्सीडेंट्स, वेरी गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो इसमें मैंने डाला है हनी। हनी में तो अनगिनत विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है, इसके बिना तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता है। बहुत अच्छा है खाली पेट। उसके बाद मैंने खाया पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में होता है विटामिन सी एंड विटामिन के, पोटेशियम। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है आज ये ओट्स एंड बेसन का चीला। बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी है, हाई प्रोटीन है, वेरी गुड स्टार्ट योर डे। इसको मैंने एंजॉय किया था कर्ड और गुड़ के साथ। सबसे पहले लिया है ओट्स इसको बनाने के लिए। ओट्स में होता है बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओट्स में होता है अमीनो एसिड, कॉपर, मैग्नीशियम, इंसुलिन और विटामिन्स। इसमें डाला मैंने प्याज, बहुत ही हेल्दी होता है बेसन। बेसन में होता है हाई प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, वेरी गुड फॉर वेट लॉस एंड मसल बिल्डिंग। फिर इसमें डाला है अजवाइन। अजवाइन होता है गुड फॉर डाइजेशन। इसमें मिला है थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बना लेना है हमें चिला का। इसको मैंने विस्कर के हेल्प से मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया मैंने हल्दी। हल्दी में होता है एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड आयुर्वेदिक, वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड होममेड मसाला। फिर इसको हमने किया मिक्स, अच्छे से मिक्स करके इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। अब मैंने डाला है पैन पे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का डाल के ब्रश से मैंने इसे फैला लिया चारों तरफ और इसको मैंने ऐसे फैला दिया तवे पे अपने बैटर को, ओट्स एंड बेसन छिला। अब चाहे तो इसमें और भी वेजेस ग्रेट करके डाल सकते हैं। आज कुछ अवेलेबल नहीं था तो बस यही था, इलेक्शन का टाइम है आज रिजल्ट का। तो उसके बाद इस पलट लिया है हमने, दोनों तरफ से गोल्डन करके इसको पका लेना है। चिल्ला फटाफट से तैयार हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, प्रोटीन के साथ स्टार्ट करने का अपना दिन। प्रोटीन से स्टार्ट करिएगा दिन तो आपको भूख नहीं होगा, हंगरी नहीं फील करोगे आप। उसके बाद लंच में आज मैंने बनाया है सोया दाल राइस और ये सब्ज़ी मेरी मम्मी जी ने बनाया था, मदर इन लॉ ने बनाया था, तो उसको मैं कवर नहीं कर पाई। फिर हम बनाएंगे दाल सोया डाल के। इस सोया डालने से इसमें हो जाता है हाई प्रोटीन एंड दाल में ऑलरेडी प्रोटीन होता है, तो ये एक कंबाइन होता है हाई प्रोटीन डाइट। सबसे पहले मैंने यह दाल लिया, दाल को धो लिया, चना दाल, मसूर दाल और अरहर का दाल। अरहर का दाल मैंने यहाँ पर मिक्स किया है, पानी से धो के अच्छे से रख लिया। उसमें डाला मैंने सोया चंक्स, ऐसे ही रखा है, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी अच्छा लगता है। हल्दी डाला है, उसके बाद रेड चिली पाउडर कलर के लिए और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा इसमें डालने से बाद में छोंकने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ, इससे टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। इसको बंद कर दिया है। तो 3 से 4 सीटी इज़ इनफ और ये दाल हमारा तैयार है हाई प्रोटीन
सोया को इसमें डाल के आप एज इट इज़ रख सकते हैं, इससे प्रोटीन एनहेंस हो जाएगा। बहुत लोग सब्ज़ी भी अलग से बनाते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए, बहुत सारी रेसिपीज है सोया की, बट ये वाली रेसिपी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत ही सिंपल है, दाल में रख के बनाने वाली। लंच के बाद मैंने खाया सौंफ। सौंफ इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, जब भी आप खाना खाओ बाद में थोड़ा सा सौंफ खाओ। और ये था इवनिंग का टाइम, मैंने कवर किया चिड़िया, बहुत ही अच्छा एंजॉय करा था शाम के टाइम में, बहुत ही सुंदर। और ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वो दूर पेड़ पे दो चिड़िया बैठे थे, मैंने उसको भी कवर किया। यह मेरा मिनी गार्डन है, यहाँ पे थोड़े थोड़े फूल आए, अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़े प्लांट्स सूख गए थे। उसके बाद मैंने इवनिंग में खाया डेट्स, डेट्स में होता है विटामिन ई। फिर खाया पिस्ताचियोस, पिस्ताचियोस में भी बहुत सारे पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी होते हैं, ई भी होता है, बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है इसको खाने का, तो थोड़ा सा तो आपको रोज़ खाना चाहिए। डिनर में मैंने आज बनाया प्याज के पराठे, बहुत ही सिंपल एंड ईजी मैंने बनाया है, इसमें ओट्स भी डाला है, तो ओट्स के पराठे भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले प्याज और मिर्ची लिया है, उसमें थोड़ा सा आटा, व्हीट फ्लावर डाला है, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें कलौंजी डाला है, इसको ब्लैक ज़ीरा भी कहते हैं। फिर थोड़ा सा ओट्स डाल दिया इसमें, इसमें इसको डालने से क्रिस्पनेस आएगा, ओट्स के बेनिफिट्स में आ जाएंगे। ओट्स में होता है एंटीऑक्सीडेंट, इंसुलिन, विटामिन एंड गुड फॉर डाइजेशन, एंड इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं। सबको रखने के बाद नमक डाला मैंने, ऊपर से अजवाइन डाला, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको डो बना लिया है अच्छे से। फिर इसको ऐसे छोटे छोटे पेड़ा बना लेना है, उसको बेल के ऐसे पराठा बना लेना है। अनइवन शेप है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी अच्छे से पक जाएगा दोनों तरफ से पका के। ऊपर से मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, आज मैंने ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए। फिर इसको दोनों तरफ से ऑलिव ऑयल लगा के सेंक लिया है। ये हमारा प्याज और ओट्स का पराठा था डिनर के लिए, जिसे इन्जॉय किया मैंने मैंगो पिकल के साथ। मैंगो पिकल के साथ मैंने मैंगो चटनी भी बनाई है, बट मैंने नहीं खाई थी तो प्लेट में नहीं दिखी है। तो सबसे पहले मैंगो को छील के काट के रख लिए है, अजवाइन, नमक और मिर्ची के साथ डाल के इसको पीस लिया। बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है ये चटनी की। तो ये था पूरे दिन जो मैंने खाया पिया, कवर किया आपने ये ब्लॉग में। बहुत ही हाई प्रोटीन मेंटेन करने से आपका वेट लॉस होता है, बाहर का खाना ना खाए, जंक ना खाए, पैकेज फूड ना खाए, और शुगर भी चाहे तो ना खाए। शुगर के अगर आपको क्रेविंग होता है तो नेचुरल जो होता है, जो फ्रूट्स में फ्रुक्टोस होता है, तो वो खाइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। डेट्स में हो जाता है स्वीट, उसको खाइए। जो रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर होता है, वो मैंने अवॉइड किया है यहाँ पे। और पैकेज फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है उसके, बहुत ही नुकसान है। तो ये था पूरा मेरा डाइट पूरे दिन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्णिमास किचन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल पूर्णिमास किचन, एंड डू कमेंट योर रिकमेंडेशन एंड फीडबैक एंड व्हाट यू वांट टू सी इन माय वीडियो एंड मोर हेल्दी रेसिपीज, यू कैन कमेंट बिलो इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।